दोस्तों, सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग करना होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है जिसमें कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैडम जी। आप लोग यहाँ पे लाइव खुद देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैग वगैरह, यहाँ पे डस्टर वगैरह होता है, यहाँ पे खल्ले से लिख रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कि इंटर के बाद डीएलएड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटर के बाद जो डीएलएड में एडमिशन का जो प्रोसेस है, संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आपको बता दें, यह वीडियो काफी रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सरकारी जो है जितने भी यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी मन लगा के ध्यान दे के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक भी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे एकदम ध्यान दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीएलएड में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड जो है, डीएलएड में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है, हर वर्ष निकालता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जानकारी बता दें कि बिहार बोर्ड जो है जनवरी में हर वर्ष एडमिशन फॉर्म फिलअप करवाता है। तो आप लोग भी अपना अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। कैसे करना है उसकी जानकारी आगे की वीडियो में शेयर कर देंगे जैसे ही स्टार्ट होगा, तो ठीक है। अब आपको बता दें, इससे अधिक जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाके लाइव देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों बिहार बोर्ड जो है एडमिशन के लिए फॉर्म निकालता है, आप लोगों को उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद जो है आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप लोग अपना अपना जहां पर भी सेंटर गया होगा वहां पे जाकर कुछ इस तरह से एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद, एग्जाम जब आपका हो जाएगा, सेंटर से बाहर आएंगे तो कुछ इस तरह से आप अपने दोस्तों के अपने क्वेश्चन के बारे में आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि इतना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है, इस तरह से बताएंगे। तो आप लोग ये तो हो गया, अब आपको रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जैसे ही दोस्तों एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट को आपको इंतजार करना है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर आपको इस तरह से इस तरह से आप लोग जो है रिजल्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। भले आप रिजल्ट में फेल हैं या पास हैं या अधिक मार्क्स है, उससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका रिजल्ट आ गया, बस इतना, ठीक है। अब आगे जानकारी यह है कि काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आप लोगों को सिर्फ जो जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब है कि कॉलेज तीन तरीका होता है, जैसे पहला सरकारी हो गया, उसके बाद अर्ध सरकारी होता है। अर्ध सरकारी का मतलब आधा सरकारी आधा प्राइवेट, ठीक है, और लास्ट में जो आता है वो प्राइवेट होता है, जो फुल्ली प्राइवेट होता है। तो अर्ध सरकारी में आपको 1 साल का 11,000 रुपये लगता है ट्रेनिंग में, और 2 साल का 11,000, दोनों मिलाकर 11 11 दुना 22,000 आपको लगेगा। 22,000 यानी कि 22 या 23 24 के आसपास आपको 22,000 या सरकारी कॉलेज में, ठीक है। प्राइवेट में आएंगे तो अर्ध सरकारी में तो आपको 60 से 70 लगेगा, और फुल्ली प्राइवेट में आएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। वहां पे आपको रह के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड जो है, अब भारत बिहार सरकार का ये नियम है कि आप लोगों को डीएलएड ट्रेनिंग जो है आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको जाकर डेली क्लास करना पड़ेगा एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलेज जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान आपको जो भी कॉलेज होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा कि किस कॉलेज में आपका नाम आया। अगर आपका फर्स्ट में, बिहार बोर्ड जो है तीन मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट में स्पॉट एडमिशन। तो फर्स्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप लोग एडमिशन लेकर, यानी कि जिस कॉलेज में आता है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। सेकेंड में भी अगर अगर फर्स्ट में आपका नाम नहीं आता तो सेकेंड का इंतजार करेंगे, सेकेंड मेरिट लिस्ट का। अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता तो स्पॉट एडमिशन कराना है। स्पॉट एडमिशन क्या होता है, तो स्पॉट एडमिशन का मतलब यह होता है कि आप जितने भी एग्जाम दिए हैं, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, सभी डॉक्यूमेंट लेके, 10th 12th का सभी डॉक्यूमेंट लेके जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं
उस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसी को स्पोर्ट एडमिशन कहते हैं। उसके लिए बिहार बोर्ड डेट भी जारी करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी जैसे कि मेरिट लिस्ट जारी करेगा, मेरिट लिस्ट में आप लोग अपना नाम चेक करेंगे, अगर आता है तो आपको जिस कॉलेज में आता है उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरिट लिस्ट दिखा रहे हैं, नाम आने के बाद आपका जिस भी कॉलेज में आएगा एडमिशन, तो उस कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट इस तरह से फाइल वगैरह लेकर आप जाकर उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे। जब एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन कॉलेज के बाहर आएंगे, तो कुछ इस तरह का मन में यानी कि ख्याल आएगा कि अब खुशी मतलब फीलिंग आपको आएगा कि मेरा एडमिशन हो गया, कॉलेज से बाहर आएंगे तो ठीक है, इस तरह से फीलिंग आएगा और आप खुशी का इम्प्रेशन देंगे। ठीक है, जैसे कि लगेगा कि हम कुछ हम जो मेरा अब एडमिशन हो गया, अब तो ट्रेनिंग करना है। तो जैसे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से इम्प्रेशन करेंगे और आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों मेन बात यह है कि आप लोगों का आगे क्या होगा, यानी कि आगे की जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कमेंट इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में कि जो अब आगे की जानकारी बताइए, तो आगे की जानकारी हम आपको बता देंगे। और इसमें एडमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कब से एडमिशन होने वाला है और कितना सीटी है और कितना जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फी लगता है, ये सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यह जो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।